भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको पहले अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसे हमारे अंकल जी ने मेरे बारे में बताया, मैं वही आरोपी हूँ जिन्हें हत्याकांड का जो 2017 में हुआ था, और मेरे ऊपर एक मुसलमानों की भीड़ ने मेरी जान लेने के लिए हमला किया और मैंने उसका डट के मुकाबला किया। आदाब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। एक और हैरान कर देने वाली खबर जो महापंचायत से सामने आई है, ये महापंचायत नफरत की महापंचायत है, जहां आसिफ के जो हत्यारे हैं उनके समर्थन में हरियाणा में ये महापंचायत 50-60 हजार लोगों की इकट्ठा की गई, और इस महापंचायत में जी भर करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। ये निहत्ते आसिफ को मारने वाले कुछ सुअरों के झुंड के समर्थन में ये महापंचायत रखी गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस झुंड को आप क्या नाम देंगे जो खुले तौर पर कानून का, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं और मुसलमानों को खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं। जहां करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं सूरजपाल अम्मू के बयान को आप लोगों के सामने रखा था, अब साफ तौर पर तस्वीर जो है सूरजपाल की इस महापंचायत से सामने आई है, उस वीडियो को एक बार फिर से आप लोगों के सामने रखूंगा। पर इसमें जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जिन्होंने लिंचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया, निहत्ते मुसलमानों को मौत के घाट उतारा, उन हत्यारों को किस तरीके से सम्मानित इस महापंचायत में किया गया, इसकी तस्वीर भी आपके सामने रखूंगा। पर बात की जाए जो ट्विटर पर आज ट्रेंड कर रहा है, और अब तक 40,000 से ज्यादा लोग जो है ट्वीट कर चुके हैं, सड़ा हुआ समाज, ये उस सड़े हुए समाज का हिस्सा है जो देश में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं, और इस नफरत पर लगाम नहीं लगाई जा रही है हरियाणा पुलिस द्वारा। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि ये लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, इन लोगों के खिलाफ हमने FIR दर्ज कर दी। इस सड़े हुए समाज में पूरी तरीके से हरियाणा पुलिस की पोल खुल रही है, और जो लगातार नफरत भरी बयानबाजी कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर सख्ती तो दूर, पूछताछ तक नहीं की जा रही है, क्योंकि वो खुले तौर पर मुसलमानों को ललकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को ऐसे ही ठोकेंगे जिसकी मां ने दूध पिलाया हो वो हमें रोक के दिखा दे। ये मुसलमानों के साथ साथ हरियाणा पुलिस को भी चुनौती है, और जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं एक एक कर उन तस्वीरों पर बात की जाए इस महापंचायत की, किसी की हत्या पर ये लोग जश्न मना रहे हैं, और उस जश्न की तस्वीरें ये हैं कि आगे और ऐसे नौजवानों को ये लोग तैयार कर रहे हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे, क्योंकि ऐसे लोग अगर इस तरीके की कार्रवाई करते हैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही शब्द है, आतंकवादी। जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इन आतंकियों को तैयार किया जा रहा है। अब बात की जाए जुनैद को जिसने मारा, उसको किस तरीके से इस महापंचायत में सम्मान दिया गया है, और जिस तरीके से उसने बयानबाजी की है, एक बार उसके बयान पर भी नजर डाल लीजिए। मैं आज पूछना चाहता हूँ, जो हमारे नेता है, जो हमें जातिवाद बांट कर जो हमसे वोट मांगते हैं, वो नेता कहाँ है, वो कहाँ पे गए? अवतार सिंह भड़ाना, कृष्ण पाल गुर्जर, जो हमारे और जो नेता है, मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ है। जब कोई मुस्लिम मरता है तो सारे नेता वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको पैसे की मदद देते हैं और उनको वकील भी उपलब्ध कराते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहता हूँ आज वो नेता इधर आए और इस भीड़ को देखे कि वो हिंदुओं की भीड़ है। जय श्री राम। आपने देखा कि किस तरीके से इस सड़े हुए समाज का एक कुख्यात आतंकी, ऐसे लोगों को आतंकी ही कहा जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो खुले तौर पर मुसलमानों को ललकार रहा है और धमकी दे रहा है, और बड़े सम्मान के साथ ये कह रहा है कि मैं वो हूं जिसने 2017 में जुनैद की हत्या की थी, मैंने मुसलमानों को सबक सिखा दिया था,
कहां है हरियाणा पुलिस जो ऐसे लोग वहां खड़े होकर के नफरत फैला रहे थे और उन लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई। तो वहीं एक और दूसरा वीडियो जो है सूरजपाल अम्मू का सामने आया है, एक बार उस वीडियो पर फिर से नजर डाल दीजिए। भाई जरा सच्चा और अच्छा हिंदू अपना हाथ खड़ा कर ले। अगर कोई एक आज पाकिस्तान की औलाद बैठा हो तो वो भी अपना हाथ खड़ा कर दे। भाई लगाओ कितने मुकदमे ठोक सकते हो, कौन कौन तैयार है मुकदमे दर्ज कराने को, हाथ खड़े करो। ठोको डरा रखा है, तुम्हारे बाप का राज है पहलवान धर्मपाल। दिल्ली से गुड़गांव जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, घर में घुसने की ताकत ये सारे हिंदू रखते हैं। तो दोस्तों आपने सूरजपाल अम्मू के बयान को सुना जिसमें वो खुले तौर पर मुसलमानों को ठोक देने की बात कह रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि हम मुसलमानों को यूं ही ठोकेंगे जिसकी मां ने दूध पिलाया हो वो हमें रोक करके दिखा दे। ये उस सड़े हुए समाज यानी कि करनी सेना का अध्यक्ष है सूरजपाल अम्मू जो खुले तौर पर धमकियां दे रहा है और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात के इसके ऊपर ना तो कोई कार्रवाई की गई है और ना ही इन दंगा भड़काने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। पर नू पुलिस का जो दोहरा रवैया है, खासतौर पर हरियाणा पुलिस का जो दोहरा चाल चरित्र और चेहरा सामने आया है, इसके ऊपर भी बात करना जरूरी हो चुका है। जहां खासतौर पर ये दावा किया गया था कि आसिफ हत्याकांड के बाद जो लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे हमने उनके ऊपर कार्रवाई की है क्योंकि उन्होंने एक भड़काऊ पोस्ट किया था, वो भड़काऊ पोस्ट कर रहे थे तो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई। यहाँ पूरी नफरत की मंडी सजाई गई, यहाँ महापंचायत की गई, पर इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नू पुलिस ने कुछ दिन पहले जो ट्वीट किया था और उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि दंगा भड़काने की नीयत से फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में पुनहाना पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ दो अलग अलग मामले दर्ज करने के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा। पुनहाना डीसीपी शमशेर सिंह ने बताया कि खेड़ा खलीलपुर में हुए आसिफ हत्याकांड को लेकर शहीद निवासी तिंगावा के शाहिद अफरीदी मेवाती के नाम पर बनाई हुई फेसबुक आईडी पर दो समुदाय के लोगों के बीच दंगा भड़काने की नीयत से पोस्ट की गई थी। इसको लेकर पुलिस ने तुरंत प्रभाव में कार्रवाई करते हुए शहीद को पुनहाना शहर के जमालगढ़ रोड से गिरफ्तार कर मोबाइल को बरामद कर लिया। वहीं दूसरे मामले में डुडुली निवासी किशोर ने भी इसी तरह आसिफ हत्याकांड को लेकर भड़काऊ पोस्ट कर डाली थी जिसको लेकर किशोर की गिरफ्तारी कर पूछताछ के बाद स्वजन को सौंप दिया गया है। तो जहां पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और हत्यारों को पूरा तरीके से समर्थन दे रही है और हत्यारों के समर्थन में जो एक सड़े हुए समाज का हिस्सा निकल करके आया है, जो खुले तौर पर हरियाणा में नफरत फैला रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो यही चीजें हैं जो आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं, सड़ा हुआ समाज, और उस सड़े हुए समाज की कुछ तस्वीरें जुनैद के हत्यारे की आपके सामने रखी और करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू की तस्वीर रखी तो उसी नफरती माहौल में पुलिस की किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है इसके बारे में भी आप लोगों के सामने रखा। मैं ऐसी ही हर एक महापंचायत से जो नफरती महापंचायत चल रही है उसको लेकर के आप लोगों के सामने खबरों को रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।